आस्था हमारे साथ है। इसका ना ऐसे ये डांस क्यों कर रही है? Hey friends, welcome to my channel साक्षी बनाट और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आज हम जा रहे हैं पंजाब उस्मान खेड़ा में। तो गाइस चलिए पापा जी और मैं तैयार हो चुके हैं और आप सभी को कराते हैं किन्नू गार्डन की सैर। ये देखिए यहाँ पे गाजर बेची जा रही है, ये यहीं पे ही उगाई जाती है। ये देखिए सरसों के खेत हैं। वाह, ये किन्नू गार्डन। अभी हम आपको पास से दिखाएंगे किन्नू गार्डन कैसा है। ये गाजर यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये ठीक है, वहाँ पे बेच रहे थे और यहाँ पे निकाली जा रही है। हम सर के घर पे आ चुके हैं, सर हमारे लड्डू लेकर आए हैं। ये खोए के लड्डू है, इतने स्वादिष्ट हैं, सर ने खुद बनाए अपने हाथों से। चलिए अब खेतों की तरफ सैर करने निकलते हैं। वाह क्या दृश्य है, देखिए आप यहाँ पे कितनी शांति है, कितना आनंद है। अरे मयंक और आस्था हमारे साथ है। क्या होता है उसमें? अच्छा रात में बाग वाले भैया, वो हमारे फ्रेंड बन रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे तंबू वाले भैया रहते हैं, वो नजर नहीं आ रहे कहीं। तुम्हारे खेत में वो करते होंगे ना रखवाली, है ना? ये उनके बर्तन हैं, यहाँ पे वो रहते हैं, इतनी ठंड में पता नहीं कैसे रहते होंगे। और इनके बाग की रखवाली करते हैं वो भैया। देखिए ये कनक है जो हरी भरी दिख रही है आपको, और ये सरसों के साग में फूल आ चुके हैं, फिर इसमें सरसों लग जाएगी और इससे फिर तेल निकलता है, जैसे कि आप इसका छौका लगा के आप सब्जी खाते हैं। और ये हमारे टूरिस्ट गाइड दो बच्चे जो शर्माई जा रहे हैं बस। वाह 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 क्या नज़ारे हैं। किन्नू का जूस पीते हो तुम? हैं अच्छा होता है ना, बिल्कुल गाजर के साथ मिक्स करके मज़ा ही आ जाता है। ये आस्था के दादाजी हैं। तुम्हारा नाम क्या है? चंगम। कोई कहानी सुना दो पहले। वेरी गुड, बताओ कौन सा सबसे मीठा किन्नू है? रुको 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 देख लो, चलो तोड़ लो। क्यों? रुको रुको मैं तोड़ देती हूँ इसका ना। आस्था देखो किन्नू छिल रही है, अभी सब खाएंगे इसे मजे से। सबको दे दो। ये आस्था इतनी प्यारी बच्चे पे भाई से बहुत प्यार करती है, बड़ी स्वीट है ये। मीठा है कि खट्टा है बताओ? पापा देखो किन्नू खा रहे हैं, कैसे हैं, खट्टे या मीठे? बहुत मीठे हो रहे हैं किन्नू, लाजवाब। ये देखिए यहाँ पे किन्नू का पेड़ कैसे भरा हुआ है, ये झड़ते भी बहुत ज्यादा है ना, मतलब फिर इसको ऐसे कहते हैं ना तो झड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, एक दो दिन हो गए तो इसके ना ब्लैक ब्लैक से होने लग गए, ये खराब होने फिर गंदी स्मेल आती है। देखिए यहाँ पे हमें बेर का पेड़ नजर आ चुका है, पके नहीं? अच्छा अभी कच्चे हैं तो तभी छोटे छोटे हैं। क्या खा रहे हो तुम? ये बेर बोरिया बोलते हो? अच्छा ये देख ले, चलिए तोड़ते हैं। ये अभी कच्ची है, देखते हैं कैसा हो रहा है।
अभी क्या है, अभी पक्का नहीं है अच्छी तरह से। चलिए हम मैम को झूला झुलाते हैं। ये पापा का फोटो शूट चल रहा है। फोन वगैरह चार्ज लगाने के लिए। ओ अच्छा, कुआं। अच्छा देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या है इसके अंदर। अपन सांप, तो सांप ऊपर तो नहीं आ जाते हैं। तो अब यूज नहीं करते इस कुएं को पानी तो खराब हुआ है। अच्छा तभी, हाँ पहली बार देख रही हूँ मैं तो कुआं। इसका नाम क्या है? कितनी स्वीट है यार ये, इसका नाम है डाइना। ये देखिए आज ये साक्षी का स्वागत करने के लिए खड़े हो चुके हैं, वेलकम कर रहे हैं, वेलकम सॉन्ग गाएंगे अभी ये। टीके लगाते हैं तब। अच्छा हाँ, हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे लगा रखे हैं जो पालतू गाय है ना उनके ही। क्या नाम है इसका? क्या पिंकी पिंकी। कितना दिन का है ये? एक महीने का है ये। मिली है हमारी पिंकी से। कितना क्यूट है ये देखो, ले पाली पाली है ये। चलो इसको हम इसके घर पे रख देते हैं। ये देखिए गाजर निकाल रहे हैं। क्या तकलीफ है भाई तुम्हें? चलिए अब चलते हैं इनके टेरेस में। हेलो कर दो। हेलो मैंग, हेलो कर दो मैंग, हेलो कर दो हेलो। ये गाय के लिए घास कट रही है। ये हौदी बना रखी इन्होंने जिससे खेतों में पानी जाता है। ये देखिए यहाँ पे सरसों के खेत, किन्नू और गाजर ही गाजर। ये देखिए किन्नू के बाग। ये डांस क्यों कर रही है? ये भैंस कबड्डी खेल रही है एक दूसरे के साथ। कबड्डी खेल, अरे पापा दूर हो जाओ, क्या कर रहे हो? व्हाइट वाली है ना, डरावनी भैंस है। Thank you so much for watching guys. Do like, comment and share. Don't forget to subscribe the channel.